पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, बुद्ध में हर पूर्णिमा का महत्व, महत्व होता है। वैसे ही बुद्ध का निर्वाणी पूर्णिमा में है, अंतिमी पूर्णिमा में है। माघ पूर्णिमा यानी संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश देने वाले मां मैत्रीवान तथागत सम्यक बुद्ध इनके जीवन के अंतिम महत्वपूर्ण दिवस। इसमें हम पांच बातें देखेंगे। पहला, भगवान बुद्ध ने वैशाली नगर में ईस्वीसन पूर्व 483 में 45वें वर्षावास बेलग्राम में किए। दूसरा, इस पूर्णिमा में तथागत ने सारिपुत्र और महामोगलायन यानी धम्म सेनापति, इन्होंने 1250 भिक्षुओं की उपस्थिति में नियुक्ति की। तीसरा, यह पूर्णिमा के दिन पर भिक्षु सारिपुत्र व अहर्त भिक्षु महामोगलायन इनके जीवन चरित्र पर प्रोत्साहन मिलते हैं। चौथा, इस पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने भिक्षुओं को विनय नियम पढ़ाए। पांचवा, यह पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने आनंद को 3 महीने के बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा ऐसे बताए। ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के दिन यानी माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा में इसकी जानकारी हमें लेना है और देना भी है। पूर्णिमा का महत्व हमारे जीवन में बहुत गहरा महत्व है। और हम पूर्णिमा का मत बुद्ध के जीवन से, माघ पूर्णिमा के जीवन, आज इसमें चर्चा करेंगे। पूर्णिमा के दिन बुद्ध जी, आज पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष होता है। रात में भी ये पूरा दुनिया बुना लाइट से प्रकाशित होता है। पूर्णिमा ये बहुत विशेष दिन है। आखिर क्या है? पुरानी भारत के लोग पूर्णिमा के दिन अपना सारा काम धाम सब छोड़ के शांति से शीलवान सदाचार का जीवन बिताते थे। शील को ग्रहण करके आखिर क्या है, क्या है वो व्रत, आखिर क्या है वो सारा काम धाम छोड़ के 7 दिन के जिन के पुराने भारत के लोग बड़े प्रकार करते थे, परंतु आज के समय में वो धीरे धीरे लिप्त हो गया, परंपरा का चिन्ह भूल गया। याद दिलाते हैं, पूर्णिमा के दिन उठ करके जो रोजाना का रूटीन होता है वो नहीं रहता। रोजाना रोटी का हटाकर पूर्णिमा का दिन विशेष कुछ करना चाहिए। नॉर्मल प्रतिदिन तो काम धंधा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब कुछ बातें देखते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ होती है, शांत नहीं है। परंतु पूर्णिमा के दिन विशेष जीवन बिताना चाहिए, शांति का जीवन बिताना चाहिए। उसी दिन सुबह सुबह सबसे पहले अष्टशील ग्रहण करना चाहिए। क्या है वो अष्टशील? अष्टशील जो अरहंत मुनि लोग करते थे जीवन भर पालन, वो पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। हर घर में रहने वाला लोग, उनका जीवन उत्तम होगा। संकल्प लेना चाहिए, पोषक व्रत ग्रहण करना चाहिए,
हमारे दिन भर हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चाहे वो विवाहित हो या कुंवारा हो या कुमारी हो, ब्रह्मचार्य होना चाहिए पूर्णिमा के दिन। तीसरा, दिन भर झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करेंगे, संकल्प लेना चाहिए। दोपहर के बाद अर्थात 12 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे। इसके बाद नाचना गाना बजाना, वैशाखी नहीं देखना चाहिए, जिससे से पाप अकुशल अपन जीवन में घुस गए, डांस हो गया या फिल्म हो, नहीं देखना चाहिए। और कहेंगे तो सुंदर होने के लिए क्या अलग 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 सेंट वगैरह क्रीम और शरीर को सुंदर करने के लिए, सजाने के लिए करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। अरहंतों के जैसा, वैरागी मुनियों के जैसा जीवन बिताना चाहिए। इसके बाद आठवां क्या है, बड़े बड़े राजगद्दियों पर नहीं बैठना चाहिए, सामान्य बिस्तर पर रहना चाहिए, चटाई पर रहना चाहिए। यह है अष्टशील, इसे ग्रहण करना चाहिए सुबह सुबह में संकल्प लेके। इसे ग्रहण करने के बाद आठों जब ग्रहण करेंगे तो बाकी दिन तो ऐसा नहीं है, बाकी दिन नाम नॉर्मल काम बिताते हैं, इस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। विशेष दिन है, इस दिन कुछ विशेष चीज़ जमा करना पड़ता है। तो फिर क्या करना चाहिए, ये ग्रहण कर लेने के बाद हो सके कि कुछ ज्ञान की बातें करना चाहिए। अपने घर परिवार में कुछ न कुछ लोग होंगे, उनके लोगों के साथ कुछ ज्ञान की बातें करना चाहिए। ऐसे बातें करिए जिसके अपना मन परिशुद्ध हो, हल्का मन हल्का हो, मन को शांति मिले, ऐसी ज्ञान की बातें करें। अगर ज्ञान की बातें करते हैं नहीं है तो ज्ञान की बातें सुने, कुछ प्रवचन सुने, एक घंटा दो घंटा अलग अलग प्रवचन। हमारे बुद्धराशि चैनल बहुत सारे चैनल है, और भी प्रवचन सुनेंगे, ज्ञान की बातें सुनेंगे भगवान बुद्ध की, जैसे आपका मन और शांत होगा। तो सुबह में प्रवचन सुन सकते हैं, इसके साधना करें, मैत्री साधना करें, आधा घंटा एक घंटा ज्ञान से और पुण्य करेगा, मैत्री से साधना से और पुण्य करेगा। इसके बाद दोपहर का समय आ जाएगा, दोपहर में 12 बजे से पहले भोजन करें, भोजन करके थोड़ा थोड़ा थकावट में से थोड़ा आराम कर लीजिए, आराम करके फिर शाम के समय आता है। शाम के समय में होते तो अपना घरदार का सफाई करो, घर का काम कर सकते हो, सफाई कर सकते हैं, इससे बच्चे लोग आते हैं उनको दिखाओ तो वो भी कर सकते हैं। ये सब काम फिनिश करके फिर से अपने मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा साधना करें। इसके बाद थोड़ा ज्ञान सुने, सुन करके अपने बाल बच्चों में, जो अपने बच्चों में या मित्र में कुछ धर्म की बातें करें। पुराने भारत में आप लोगों को मालूम नहीं, शाम के समय में लोग बुद्ध वंदना करते थे, बुद्ध वंदना करके अपने परिवार के साथ धर्म चर्चा करते थे, ज्ञान की बातें करते थे। परंतु दुर्भाग्यवश वो पुराने भारत की परंपरा धीरे धीरे लुप्त तो हो गई। अभी इंटरनेट का जमाना आ गया, कारण हर घर में टीवी होने के कारण, हर एक हाथ में स्मार्टफोन होने के कारण लोगों के अच्छे गुण को भूल गए। शाम को मिलकर ज्ञान की चर्चा करते थे, अभी वो नहीं है, अभी शाम को अपने अपने फोन में बिजी रहते हैं, मन में अलग फोन में, बेटा अलग फोन में, पिताजी अलग फोन में, सब बिजी रहते हैं। वो सुंदर सुनहरा युग समाप्त हो गया। पूर्णिमा का ऐसे मत करें, परिवार वालों के साथ में ज्ञान की चर्चा करें, जो ज्ञान आपको याद है वो दूसरों को बताएं, जो दूसरों को याद है वो आपको बताएगा। ऐसे होने से एक दूसरे से ज्ञान बढ़ेगा, मन पवित्र होगा, मन को बड़ा अच्छा लगेगा। इस प्रकार घर के फिर रात हो जाती है, फिर रात को घर घर में काम होता है,
वो पूरा करे। वो घरदार का काम पूरा करने के बाद रात में एक काम करना है, पता जो उपासक ग्रहण व्रत किए हैं, शीत को ग्रहण किए हैं, शीन के बारे में मनन करें कि आज हमने यह अष्टशील ग्रहण किया है, कुछ तो कुछ गलती तो नहीं हुआ, मुझे से कुछ त्रुटि तो नहीं हुई, मैं शील के बारे में सोचना चाहिए, मैं शिलाचाल से अच्छे से पालन किया कि नहीं, मैंने हत्या किया, चोरी किया नहीं, मैं ब्रह्मचार्य पालन किया, ऐसा मनन करें, अपने शील के बारे में कोई गलती तो नहीं होगी। अगर गलती हो गई है तो संकल्प लीजिए अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रकार अपने शील की शुद्धता के बारे में मनन करेंगे, आपको समझ में आएगा हम तो अच्छे से शील का पालन किए, आपके अंदर ही अद्भुत खुशी जागेगी, आपका मन और शांत होगा, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। इस प्रकार अपने शील के बारे में कुछ अच्छे काम करेंगे, ज्ञान सुने, ज्ञान की चर्चा करें, ज्ञान की साधना करें, धर्म की सुने, दूसरों को मदद करें, हो सके तो दान करें, इस प्रकार सुंदर जीवन बिताए, अनंत धुवन के दिया मुनियों के जैसा इस प्रकार जीवन बिताए, वो आपका आज का पूर्णिमा का दिन पुण्य से भरा रहेगा, पूर्ण से भरा रहेगा। बाकी दिनों से ये दिन आप लोगों के लिए बड़ा शुभ कार्य होगा, मंगल कार्य होगा, परलोक के लिए आप दूध खजाना बन जाएगा, इसलिए आप पूर्णिमा के दिन को खुशी से पुण्य से भरेंगे, बिताइए। आप लोगों का कल्याण हो, आप लोगों का मंगल हो, सदा सुखी हो। पूर्णिमा का ये महत्व बहुत ही अच्छा महत्व है, इसको हमने सीधा चाल सारा चाल में करना चाहिए। पूर्णिमा का ये महत्व बहुत ही अच्छा महत्व है, हमें इन्हें पालना चाहिए।
शरणम गच्छामि। माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर भगवान के शुभकामनाएं सभी को। माघ पूर्णिमा को माघ पूजा के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में ये महापूजा माघ महीने को आते हैं, इसका नाम माघ पूजा इस तरह से हो गया। क्यों ये महापूजा क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के 9 महीने बाद जब महापूजा 1250 अर्थ बिना पूर्व सूचना के एक मन में एकत्रित हुए भगवान बुद्ध को पूजने के लिए, वंदन करने के लिए। इतना महान
हंसक तीन था। ये सारा कथन भगवान पुत्र का प्रवचित हुआ था, उनके मार्गदर्शन में अहंत प्राप्त किया। इसलिए ये जो इस भगवान बुद्ध को ये माघ पूर्णिमा के दिन महापूजा महापूजन जान जाते हैं, जगह पूजा का पूजनीय एता मंगलम। ये जो पूजनीय लोग होते हैं उसको पूजना चाहिए, जो वंदनीय होते हैं उनको वंदन करना चाहिए, जो सन्मान प्राप्त होते हैं उनको सम्मान करना चाहिए, जो अर्हत होते हैं उनका आदर करना चाहिए। इसलिए 1250 ईसा पूर्व सूचना से एक में आए थे, भगवान बुद्ध को वंदन करने के लिए आए थे, पूजने के लिए आए थे। तो इसी महापूर्व के भगवान बुद्ध ने इस समय सभी को अपना भगवान बुद्ध ने जो आदेश दिया, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में 9 महीने के बाद में ये सारा अर्थ हुए थे, और उस वक़्त जो नियम है, इसलिए इस उन्हीं के बारे में भगवान बुद्ध ने वह तो प्राप्त मार्गदर्शन किए थे। ये क्या पात्र है? तो ये मार्गदर्शन के पहला है, सम्यक पापस्य करणम उसल सब संपदा सच्चिदेय पर्योदपनम एतांग बुद्धांग शासनम। दूसरा है अंति प्रवदम तप्तनम विज्ञानं प्रणाम समनुभूति एत भवतु। तीसरा है अनिभवातो अनुभगातो पाति पुत्र समसो मद्यपिचा च समतो पंतांगी समतो अभी चित्त हो इसे आये हुए तो इतना बुद्धांग से आश्रम। प्यारे दोस्तों, हम ये सब बातें हमारे भंते जी इनके शुभकामनाएं सभी को, माघ पूर्णिमा को माघ पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। वास्तव में ये महापूजा के नाम से जाना जाता था, लेकिन क्योंकि ये महापूजा माघ महीने में आता है इसलिए बाद में इसका नाम माघ पूजा ऐसे पड़ा। तो क्यों ये महापूजा कहा जाता था? क्योंकि भगवान बुद्ध प्राप्त करने के 9 महीने बाद जब वीरमन राजगीर में रुके हुए थे तब 1250 अर्हत लोग बिना पूर्व सूचना के वीरमन में एकत्रित हुए भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए, पूजने के लिए, वंदन करने के लिए। तो इतना महान अर्हत संघ जो वहां पर एकत्रित हुआ और ये सारे अर्हत भगवान बुद्ध से प्रवचित हुए थे और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने आराम प्राप्त किया था। तो इसलिए ये जो विशाल अर्हतों का संघ है वो भगवान बुद्ध को पूजने गया था इस माघ पूर्णिमा के दिन, इसलिए से महापूजा और बाद में महापूजा के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि जैसे मंगल सूत्र में कहा गया है कि पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम उत्तमम्, यानी जो पूजनीय योग्य है उनको पूजना चाहिए, जो वंदनीय योग्य है उनको वंदन करना चाहिए, जो सम्मान करने योग्य है उनका सम्मान करना चाहिए, जो आदर करने योग्य है उनका आदर करना चाहिए।
और इसलिए ये 1250 साल बिना किसी पूर्व सूचना के वेलवन राजगीर में एकत्रित हुए भगवान बुद्ध को वंदन करने के लिए, भगवान बुद्ध को पूजने के लिए। तो इसी माघ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने इन सभी अर्हंतों को ओवाद पाकि पात्र मखर का पाठ किया उनके सामने। ओवाद ने जो अनुदेश दिया पातिमोक्ष ने समर के बारे में, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त होने के 9 महीने बाद ही ये सब अर्हंत वहां मिले थे। और उस वक्त कोई 227 के जो मिले के नियम है तब बने नहीं थे, तो इसलिए एक जनरल रूप में उनको इस विनय के बारे में या समर के बारे में भगवान बुद्ध ने उपवाद पातिमोक्ष के रूप में उनको मार्गदर्शन किया। तो क्या है ये उपवाद पातिमोक्ष? उपवाद पातिमोक्ष के 3 गाथाएं। पहला है सब पापस अपहरण कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपरं एकं बुद्धान शासन। दूसरा है खंती परमं तपोति तिक्खा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नहि पंपजतो परोपघाति समन्न होति परम विहेतयन्तो। तीसरा है अनूप सारे उपासक और उपासकों के लिए भी
उतना ही बात होता है। तो ये गाथा का अर्थ क्या है, हम इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। सबका पापा सा करना, सारे पापों का न करना। तो क्या है सारे पापा? अगर पापों में हम गिनती करने बैठेंगे तो ऊपर बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है, इसका कोई अंत नहीं। लेकिन पापों की जो जड़ है, अगर हम उसे काट दें तो बाकी के सारे पाप अपने आप कट जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कोई झाड़ है, कोई पेड़ है, अगर हम उसके जड़ों को काट दें तो अलग से उनके पाठों को पत्थों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब जड़ को काट देते हैं तो पूरा झाड़ देर से सूख जाता है और मर जाता है। तो ठीक उसी तरह से इन सारे पापों का न करता, तो अगर सारे पापों की गिनती करते बैठेंगे तो बहुत समय चला जाए, बहुत लंबी लिस्ट बन जाए। तो इसलिए पापों की जो जड़ है उसके ऊपर अगर वार करें तो बाकी के सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो कौन है, कौन सी चीजें हैं वो पापों की जड़ जिसको काटने से बाकी के सारे पाप खत्म हो जाते हैं? तो ये है हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशीले पदार्थों का सेवन न करना। तो ये पंचशील में जो दिया गया है इन चीजों का पालन करना, ये ही पापों की जड़ को काटता है। अगर हम हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशे का पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे तो ये पापों की जड़ है, इससे बाकी के और सारे पाप बढ़ते रहते हैं। तो इन पापों का न करना ये सब कुशलस्य उपसंपदा, तो कुशल कार्य का संपादन करना चाहिए। तो क्या है कुशल कार्य? एक कार्य तो हमको अकुशल नहीं करना चाहिए, मनुष्य का पालन करना चाहिए, हत्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और नशीले पदार्थों तो क्या करना है? तो जैसे हमने कहा कि हत्या नहीं करनी चाहिए, ये नकारात्मक है। तो सकारात्मक क्या है कि जीवन दान देना चाहिए। तो जीवन दान कैसे देंगे? जैसे कोई भूखा है तो उसको खाने को देंगे, कोई बीमार है तो उसको दवाई देंगे, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको प्रदान करेंगे। इस तरह से जीवन देना, जीवन की रक्षा करना, ये कुशलस्य उपसंपदा है। तो एक तरफ हत्या नहीं करेंगे, दूसरी तरफ लोगों की जान की रक्षा करेंगे। अब दूसरा है चोरी नहीं करेंगे, ये नकारात्मक। तो करेंगे क्या? दान करेंगे, यानी चोरी अगर हम दूसरों की वस्तुओं बिना दिए नहीं देंगे। उसी तौर से सकारात्मक रूप में रखेंगे, जो अपनी चीजें हैं वो दूसरों के भलाई के लिए हम दान करेंगे, ये दूसरे से समझ है। अब तीसरा है कामना से मिच्छाचार वगैरह नहीं है, मिच्छाचार कामना मिच्छाचार नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सब कोई कह सकता है कि वस्तु के लिए ब्रह्मचर्य का जो सील है वो अपना नहीं होता, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य का सील है इसे ग्रस्तों को इससे मुक्त नहीं किया है। हाँ, भिक्षु लोग तो ब्रह्मचर्य का आजीवन उसका पालन करना चाहिए, लेकिन जो उपासक उपासक है उनके लिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि उपासक के दिन यानी जैसे पूर्णिमा, अष्टमी और अमावस्या, इन दिनों में अष्टशील का पालन करना चाहिए। तो ये अष्टशील का जो पालन करते हैं तो जो तीसरा शील है पालन से उच्चाचार वगैरह भी वो अब्रह्मचर्य वेरणी हो जाता है, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो एक तरफ नित्य जीवन में काम से विचार नहीं करेंगे, दूसरी ओर महीने में कम से कम चार दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यह है दूसरा सोच। फिर चौथा है झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। अगर झूठ न बोलना यही शील में एक तो नकारात्मक है, सकारात्मक रूप में अगर देखा जाए तो आदमी को सच बोलना चाहिए जहां तक भी आवश्यक हो। और उसी तरह का पाना का है कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फिर सकारात्मक शील में क्या करना चाहिए? तो सकारात्मक शील में होश का पालन करना चाहिए, होश से काम करना चाहिए।
क्योंकि जब हम नशा करते हैं तो बेहोशी रहते हैं और बेहोशी में काम करते हैं, लेकिन यहाँ प्रकरण में हम हर काम होश से करते हैं, सती के साथ करते हैं। तो इस तरह से एक तरफ तो नकारात्मक शील जो पंचशील में दिया गया है, दूसरी ओर सकारात्मक शील ये जो है कुशलता मुद्रा में आता है। अब सचित्त परिवर्तन, चित्त को शुद्ध करना चाहिए। तो चित्त को कैसे शुद्ध करें? तो चित्त को केवल ध्यान से शुद्ध किया जा सकता है। जैसे हम लोग रोज सुबह स्नान करके फिर बाहर जाते हैं और दिन भर घूमते हैं और फिर जब शाम को आते हैं तो फिर स्नान करके फ्रेश होते हैं। अगर हम लगातार हम लोग 2-3 दिन या हफ्ता भर अगर स्नान न करें तो आदमी कितना बेचैन हो जाता है, शरीर में कितनी कुचला हो जाती है। तो इस तरह से अगर आदमी 2-4 दिन हफ्ता अगर स्नान ना करे तो बहुत ही असुविधा महसूस करता है, बहुत ही बेचैन हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से आदमी अपने मन को भी हिलाना चाहिए। शरीर को हिलाना तो हम जानते हैं लेकिन मन को हिलाना बहुत कम लोग जानते हैं। तो मन को कैसे हिलाए? तो मन को ध्यान से हिलाना चाहिए। ये थे भदंत विनय रचिता, इनका मार्गदर्शन अपन माघ पूर्णिमा के दिन पर, पूर्णिमा के दिन में कैसा रहना चाहिए, माघ पूर्णिमा में पावन पर्व पर भगवान बुद्ध ने क्या संदेश दिया। भदंत विनय रचिता। मन भी मैला होता है, राग से मैला हो जाता है, द्वेष से मैला हो जाता है, मोह से भी मैला हो जाता है। तो ये जो राग द्वेष मोह से मन मैला होते रहता है, इसलिए इस मैले मन को भी सुबह शाम नहलाना चाहिए, स्नान करवाना चाहिए। और स्नान स्नान कराने का तरीका केवल ध्यान। इस तरह से सचित्त परिवर्तन मन को शुद्ध करना चाहिए। एक अनुभूतान साधन, यही बुद्ध की शिक्षा है। तो संक्षिप्त में अगर बुद्ध की शिक्षा क्या है कोई पूछे तो इस बात आपको हम बता सकते हैं। ये ओवर माता भाव में भी आता है और आमतौर पर लोगों को अगर संक्षिप्त में बताना है कि बुद्ध की शिक्षा क्या है तो इसके लिए ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आज इस माघ पूजा के दिन या माघ पूर्णिमा के दिन ये जो गाथा है बुद्ध की शिक्षा के बारे में कि सर्व पाप साधन कुशल संपदा सचित्त परिवर्तन एक अद्भुतान शासन, ये गाथा को अगर हम अपने जीवन में अमल करें तो हम अपना भी मंगल कर सकते हैं, अपना भी मंगल साधे। इसी में समाया हुआ है। तो आज इस माघ पूर्णिमा के दिन हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी मानव लोग खास करके बहुत लोग ये बुद्ध की जो गाथा है इसको इसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपना भी मंगल साधेंगे और औरों का भी मंगल साधेंगे। भवतु सर्व मंगल। नमो बुद्धाय, नमो अशोक रत्ना, जय भीम सत्यो। माघ पूर्णिमा के महत्वपूर्ण पर भदंत पुरुरचिता इनके उद्देश्य सुने और साथ ही में हमने माघ पूर्णिमा के भगवान बुद्ध ने वैशाली नगर में ईस्वी सन 483 में 45वां वर्षावास बेलग्राम में किया। इस पूर्णिमा के 1250 भिक्खु ने पुछते हुए एक साथ धम्म सेनापति का उपदेश सुनने महामुगलायन को धम्म सेनापति किया गया। इस पूर्णिमा पर भिक्खु सारिपुत्र अहर्त भिक्खु महामुगलायन इनके जीवन में चरित्र से प्रोत्साहित मिल सकता है। इसी पूर्णिमा के दिन पर बुद्ध ने भिक्खु को विनय के नियम सिखाए। इसी पूर्णिमा के बुद्ध में आनंदा को मैं 3 महीने के बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा ये बताए। इसलिए माघ पूर्णिमा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो।